हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल पेयजल संकट से निजात दिलवाने के लिए नर्मदा नीर की मांग को लेकर नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित बेमियादी धरना प्रदर्शन, पीएम व सीएम के नाम हस्ताक्षर अभियान और क्रमिक अनशन के 37वें दिन मंगलवार को ग्राम पंचायत भागल सेफ्टा सरपंच सरथला व तावव के सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना देकर पीएम व सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एक अन्य सरकारी बैठक में एसडीएम व तहसीलदार के व्यस्त होने की वजह से ज्ञापन लेने में देरी की वजह से आक्रोशित ग्रामीणों व समिति के सदस्यों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। एक बार के टकराव को स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन समझाइश की वजह से मामला शांत हो गया। मंगलवार को ग्राम पंचायत भागल सेफ्टा सरपंच तलसाराम राणा, सरथला सरपंच लक्ष्मी देवी व तावव के गांव से बड़ी संख्या में महिला व पुरुष करीब 2 दर्जन वाहनों में सवार होकर धरना स्थल पहुँचे। यहाँ करीब घटना भर तक धरने में भाग ले आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान भागल सेफ्टा सरपंच तलसाराम राणा व सरथला सरपंच लक्ष्मी देवी समिति के सदस्य दिनेश दवे नवीन, शेखर व्यास व मोहन सिंह सिसोदिया सहित दर्जन भर वक्ताओं ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि पेयजल की मांग को लेकर आंदोलन को दूसरा महीना चल रहा, लेकिन सरकार, प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुल रही हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र वासियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेताया कि अभी तक लोकतांत्रिक सीमाओं में शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार व प्रशासन द्वारा हल्के में आंकना इनके लिए भारी साबित हो सकता है। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि जनता की वाजिब मांगों पर शीघ्र अमल नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र रूप प्रदान कर सड़क से संसद तक पहुँचाया जाएगा। इस दौरान प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को भी नींद नहीं लेने दी जाएगी, इसके लिए भले ही जेल जाना पड़े। इसके बाद रैली के रूप में मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम व तहसीलदार समीप विकास भवन में अधिकारियों के बैठक में व्यस्त थे, जिस पर ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की सूचना भेजी। लेकिन अधिकारियों द्वारा बैठक में व्यस्त होने व कुछ समय इंतजार करने का समाचार भेजने से नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के सदस्य भी पहुंच गए। मामला बढ़ता देख एसडीएम जवाहर राम चौधरी व पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन लिए, तब जाकर मामला शांत हुआ। समिति के सदस्य दिनेश दवे नवीन ने बताया कि जनता की वाजिब मांग को लेकर क्षेत्र वासियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष आंदोलन को दूसरा महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। नवीन ने बताया कि प्रशासन को ज्ञापन लेने में भी परेशानी हो रही है। नवीन ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया और वन मंत्री व सांचौर विधायक सुखराम विश्रोही जालौर जिले के दौर पर रहे, लेकिन आंदोलनकारियों से मुलाकात व लोगों की समस्या सुनने का उनके पास समय नहीं है। इससे अशोक गहलोत सरकार की कार्य प्रणाली का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की समस्याओं के प्रति कितना संवेदनशील है। नवीन ने चेताया कि बुधवार से सरकार, प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन के अलावा कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस दौरान कानून व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जागरूक टीवी के भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।